प्रिय छात्रों, आज मैं लेकर प्रस्तुत हूँ कक्षा 12वीं के हिंदी के पद्य खंड में संकलित गीत नामक शीर्षक के कुछ पद्यांशों को, जिसके रचयिता कवित्री हैं महादेवी वर्मा। तो प्रारंभ करते हैं गीत। आज पहला गीत। चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं से मौन अलसित व्यौन रोले। तो प्रस्तुत गीत में जो है महादेवी वर्मा जो है कहती हैं कि चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त ताना गाना, जाग तुझको दूर जाना। तो हे प्राण, निरंतर जागरूक रहने वाली जो मेरी आंखें हैं, सजग जागरूक रहने वाली मेरी आंखें जो है, आज जो है नींद से भरी अर्थात आलस्ययुक्त क्यों हैं? तुम्हारा वेश जो है आज इतना अव्यवस्थित क्यों है? आज अलसाने का समय नहीं है। आलस्य एवं प्रमाद को छोड़कर अब तुम जो है जागो, जाग तुझको दूर जाना। तुम जागो क्योंकि तुमको बहुत दूर जाना है। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। व्योम में साकाश। तुम्हारी अभी बहुत बड़ी साधना, तुम्हें जो है बहुत बड़ी साधना करनी है। चाहे आज दृढ़ हिमालय कंपित हो जाए, यानी कांप जाए, या फिर आकाश से जो है प्रलय काल की वर्षा होने लगे अथवा आज पी आलोक को डोले, तिमिर की घोर छाया, तिमिर अंधकार, आलोक में प्रकाश, या जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। या जो है आज जो है घोर अंधकार जो है प्रकाश को निगल जाए, चाहे चमकती और कड़कती हुई बिजली जो है में से जो है तूफान बोलने लगे, तो भी जो है पर तुझे नाश पथ पर चिन्ह आगे छोड़ जाना आना, जाग तुझको दूर जाना। किंतु जो है फिर भी तुम्हें जो है आज जो है तुम्हें अपने जो है उस विनाश वेला में भी तुम्हें अपने चिन्हों को जो है छोड़ते चलना है। किसी भी परिस्थिति में साधना के पथ से विचलित नहीं होना है, क्योंकि तुम्हें जो है तुझे साधना पथ पर चलते हुए जो है लक्ष्य प्राप्त करना है। अतः तू जाग, और क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। आगे बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम बंधन के सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। कवित्री आगे कहती हैं कि हे प्राण, क्या मोम के समान शीघ्र नष्ट होने हो जाने वाले अस्थिर परंतु सुंदर संसार के बंधन तुम्हें बांध कर जो है तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं? क्या तितलियों के पंख के समान यह संगीन संसार का आकर्षण तुम्हारे मार्ग में बाधा बन जाएगा? सो गई आधी मलय की बात का उपधान ले, विश्व का क्रंदन भुला देंगी मधुब की मधुब गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। क्या यह जो है सांसारिक क्रंदन या रुदन की ध्वन जो है भौरों की मधुर गुंजार को सुनने में बाधा उत्पन्न करेगी, अर्थात तुम्हारी साधना के मार्ग में अवरोध करेगी? क्या पुष्पों की पंखुड़ियाँ पर पड़ी हुई मोती रूपी आंसुओं ओस की बूंदें जो है सौंदर्य ओस की बूंदों का सौंदर्य तुम्हें जो है स्वयं में लिप्त करेगा, या डुबोकर साधना पथ पर विचलित कर देगा? तून अपनी छाँ को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। तो तुम जो है अपनी स्वयं की जो है साधना के लिए जो है तुम्हारे मार्ग में तुम अपनी प्रतिछाया को अपने लिए जो है बंधन मत बनाना, अथवा संसार के विविध आकर्षणों को तुम्हारे छाया मात्र है, अतः उन आकर्षणों को माया जाल के बंधन में बंध कर तुम अपने वास्तविक लक्ष्य को मत भूलना, और तुम अपने साधना पथ पर चलते रहना, क्योंकि तुमको बहुत दूर जाना है। तो आज यहीं तक, अगले वीडियो में आगे लेकर